की मार है, हर चीज पर कोई ना कोई टैक्स आई किया गया है। वहाँ एक अनोखा टैक्स भी देखने में आ रहा है, कब्र पर भी टैक्स लगाने की तजवीज पेश कर दी गई है। लाहौर में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर के अंडर जितने कब्रिस्तान आते हैं उनमें फी कब्र जो है 1500 रुपए तक टैक्स आयद करने की तजवीज जो है वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए भिजवा दी गई है, जिसके तहत जो है बड़े की कब्र पर 1500 जबकि छोटे बच्चे की कब्र पर 1000 रुपए तक टैक्स आयद होगा। दोस्तों, जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, क्या पता क्यामत गुजर गई हो और हम जहन्नम में रह रहे हो। जिन अंग्रेजों से जंगे कर करके हमने आजादी ली, अब 40-40 लाख देकर उन्हीं का वीजा ले रहे हैं। पहले जमाने में लोग एक दूसरे से मिलते थे तो एक दूसरे से खैरियत दरियाफ्त करते थे, अब मिलते हैं तो पूछते हैं सलाम भाई कितना बिल आया। 14 अगस्त पर हमारी अवाम ऐसे बाजे बजाती है जैसे ये मुल्क मुसलमानों ने नहीं बल्कि मिरासियों ने आजाद करवाया हो। लाहौरियों ने बिलावल को एमी समझ लिया था, अब लाहौरियों को लग पता गया है कि जब ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा बारिश आता है। जिनको आवाज आ रही है वो सुने। अपने आप को खान कहलाता है यार, ये कहाँ का खान है आप मुझे बताएं। ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। दुनिया के साइंसदान घबरा गए हैं जो बिलावल जरदारी एक थ्योरी लेके आया है। आइंस्टाइन घबरा गया है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है। जो आइंस्टाइन की जो रूह तड़प रही है ना, जिस चीज के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान गुजरा है। इस अजीम काम का क्रेडिट अब शहबाज शरीफ को जाता है। अब मुल्क अजीम बनने के साथ साथ बेहतरीन से बेहतरीन बनता दिखाई दे रहा है। शहबाज शरीफ ने पंजाब में 14,000 मेगावाट में से 5,500 मेगावाट बिजली बनाई पंजाब में, उसी वक्त जब तुम ये कंटेनर पर खड़े थे। अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, सड़कें बनाई, महंगाई कम की, उस वक्त जब तुम कंटेनर पर खड़े थे। और आज भी शहबाज शरीफ अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्क की मईशत, मुल्क के सफारती ताल्लुकात, मुल्क के अंदर महंगाई की कमी, मुल्क के अंदर माशी बहाली, मुल्क के अंदर अमन, मुल्क के अंदर जो इस वक्त सैलाब से विक्टम्स हैं उनकी बहाली, आज भी अल्लाह ताला के फजलो करम से शहबाज शरीफ ये काम कर रहे हैं और तुम खड़े होकर कंटेनर के ऊपर बलाजत। अगर आप चाहते हैं कि सब आपको अच्छा कहें तो आप अपना नाम अच्छा रख लें, और चाहते हैं कि हर कोई आपको शरीफ बोले तो नवाज शरीफ नाम रख लें, वरना किसी से कोई तवक्को मत रखें। मैं इंशाल्लाह वादा करता हूं कि जल्द आपसे मिलूंगा और फिर वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा, अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। 14 अगस्त पर बाजा बजाने से गुरेज किया जाएगा क्योंकि वतन अजीज का पहले ही बाजा बज चुका है और गुंजाइश अभी बाकी नहीं है। ना कभी इससे एनआरओ मांगा, ना कभी मांगेंगे, ये गर्दन झुक सकती है, इसके आगे कट नहीं सकती। हक दिया। पाकिस्तान में दो भाई हैं, एक का अब्बा अमीर है, दूसरे का गरीब, एक गुज्जर है, दूसरा कश्मीरी, बड़े का अब्बा लोहार है और छोटे का अब्बा किसान। एक को मांगना आता है, दूसरे को कबूतर उड़ाना आता है, लेकिन आजकल दोनों की हालत बहुत ही नासाज है। कौम से दुआओं की अपील। मुल्तान में दरबार हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद का बिजली का बिल 5,81,465 रुपए आया। यहाँ पर हजारों लोग रोजाना बिजली के बिलों से निजात की दुआएं मांगने आते थे, भापटा वालों ने सबके बिजली के बिल पीर साहब के खाते में डाल दिए। कुछ लोग आजकल एक्स वजीर आजम को बहुत याद कर रहे हैं और कुछ लोग आजकल एक्स वजीर आजम चोर की वो दिन याद कर रहे हैं जब कोरोना के दिनों में बिजली के बिल 0 रुपए आया करते थे और कुछ लोग इस बात पर बहुत रोया पीटा करते थे। देखिए, ये एक्स वजीर आजम बिल्कुल चोर है ना, क्या के जे मैं देखा 45 वालों ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा 45 वालों ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा 47 वालों ते बल्ले बल्ले बल्ले। और कुछ लोग बिल्कुल ठीक ही रो पीट रहे हैं क्योंकि वो शख्स पूरे मुल्क का कौमी खजाना इस अवाम पर 0 बिजली के बिल देकर लुटाता रहा। और कुछ लोग फिर कह रहे हैं कि मैं मांगने नहीं आया मगर मजबूरी है। IMF का प्रोग्राम कोई हमारे लिए कोई हलवा और खीर नहीं है। IMF का प्रोग्राम हमारे लिए कोई हलवा और खीर नहीं है, ये बल्कि एक बड़ा सख्त प्रोग्राम है। बल्कि एक बड़ा सख्त प्रोग्राम है
जो कि हमने मजबूरन इसको अडॉप्ट किया। आज के वीडियो में हम आपको हमारे प्यारे पॉलिटिशियंस के कुछ ऐसे मजाकिया वीडियोस दिखाएंगे, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल कुछ भी पे नहीं हैं, तो कुछ भी सोचे बिना चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ज़िया-उल-हक का बेटा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का असल बाप ज़िया-उल-हक है। दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम अब इन हालात पर पहुंच चुकी है, ना वो मुल्क में रहने जोगी है और ना इस मुल्क को छोड़ के जाने की, और अब बिजली के बिल अदा करने के लिए अपनी रिंग्स के बाद गुर्दे बेचने की बारियां आन पहुंची हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से आपकी मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। मैं खुशखबरी सुना दूं। कितना बिल आया आपका? 23,000 रुपए मेरा बिल आया है। 2 पंखे चलते हैं और पूरे महीने खुदा गवाह घर में लड़ाई होती है, बेटा तीसरा पंखा ना चल जाए। वो 2 पंखे भी इसलिए, एक जगह फैमिली होती है, दूसरे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, अदरवाइज रात को फिर एक पंखे में हम लेके आ जाते हैं। मेरी आमदनी उसका आधा है। ये 18 रुपए पेट्रोल रात और रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती, जो दवाई नहीं खरीद सकती, वो 12 रुपए पेट्रोल। अगर एक दिन के लिए अमेरिका और यूरोप अपने बॉर्डर्स खोल दे, तो पाकिस्तान में हुक्मरानों और मुहाफजों के अलावा और कोई बाकी नहीं रहेगा। अब आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट रिन्यू नहीं होगा अगर आपने किसी भी वजह से बैरून मुल्क सियासी पनाह के लिए अप्लाई किया है, असाइलम अप्लाई किया है, चाहे वो UK, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या यूरोप के किसी भी मुल्क में होगा। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर असाइलम अप्लाई करने से पहले 1,000 दफ़ा सोच लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि यूरोपियन रेजिडेंसी के चक्कर में आप अपने मुल्क के पासपोर्ट से ही हाथ धो बैठे। दोस्तों, हॉस्पिटल की खिड़कियां खुली रह जाने की वजह से अस्पतालों में पानी भर आया। अब ऐसी चीजों को प्रमोट करने पर ऐसी आवाम पर फाइबर वॉल ही लगनी चाहिए। तब इस हॉस्पिटल में यकीनन पानी आया, और पानी जो बेसमेंट में है, खास तौर पर वहाँ पर एक खिड़की खुली रहने से वो पानी जो है वो बेसमेंट के अंदर इकट्ठा हुआ। उस खबर को मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि 4 बजे के बुलेटिन तक तकरीबन तमाम चैनल्स ने अपने बुलेटिन के अंदर उस खबर को दिखाया। ये नाइंसाफी है, ये सर्विस हॉस्पिटल की जो इमरजेंसी है। और तमाम अमला जो खिड़कियां खोलेगा उन पर केस तो बनता है। कुछ और शोज में भी खिड़कियों की वजह से पानी घुस आया। क्या वो अपना स्विचर गिरा होगा? तो लाइव नहीं जा सकेंगे? क्या हुआ रस्ते में? किस तरह मुश्किल से पहुंची? जल्दी बताओ। पाकिस्तानियों को बिल्कुल सुकून ही नहीं है। महंगाई की शरह इतनी कम होने के बाद अब दूसरे ममालिक को चाहिए कि पाकिस्तान हमसे एक्सचेंज कर लें। लेकिन जब गलती से एक बेचारा भटका हुआ मुसाफिर जर्मन सियाह पाकिस्तान घूमने आ गया, तो डाकू उस बेचारे को लूट कर खा जाते हैं। इन डाकुओं से लाख इख्तलाफ सही, लेकिन वो लूट मार करके लंदन नहीं भागे। लेकिन आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जिन भी हालात में हो, हमारे प्यारे पॉलिटिशियंस हमें इंटरटेन करने की शबाना रोज कोशिशों में लगे हुए हैं। तो हवाई जहाज से हमने यानी 30,000 मीटर की बुलंदी पे हमने बात करवाई, ताकि वक्त बचे, यानी कोयटा लैंड करने से पहले जो वक्त है वो भी बच जाए। आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।